वुडंट चेंज इट टू, तो अब एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी या कितना वैल्यू आया उसको निकाल। 2013 ईएस का क्वेश्चन, ठीक। मैं सब डेटा लिखती हूँ, आप अभी मेरे को बताना कि मैं प्रोसीड कैसे करूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या था, 10.17। फर्स्ट सिचुएशन को माना ए, सेकंड सिचुएशन को माना बी। ए पे ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू 0.018, दूसरे में ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना। प्लेट की लेंथ एल, यहाँ पर प्लेट की लेंथ 4 है, ऑल डेटा अनचेंज, ऑल डेटा सेम, ठीक। बाकी सारे डेटा क्या है, सेम, सिर्फ यही अंतर है और आपको ये निकालना। अब कंडीशन किसकी है, लेमिना की। कौन सा बाउंड्री लेयर दिया है, लेमिना बाउंड्री लेयर। मेरे को बताओ या बनाओ, एक मिनट दे रहे हो उसको बनाओ, ठीक। कैसे बनेगा, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगा के बताओ आंसर कितना आएगा, बनाओ, सोचो। आपको आता सब, हर चीज आपके दिमाग में फिट बैठा हुआ, बस उसको अप्लाई करने की देर, ठीक। कितना आ रहा है, 0.009 और बाकी लोग कैसे क्वेश्चन को 3-4 बार लिख डाल रहे हो क्या, ठीक। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा, आपको दो चीज दिख रही, क्या दिख रहा है, एवरेज ट्रैक का फॉर्मूला और लेंथ दिख रहा है। याद करो लेमिनार के लिए एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट का पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जो एक्चुअल फॉर्मूला, सॉरी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। कितना आता है, 1.328 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एल, कितना आता है, ठीक, आर ई एल सी डी, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट बोल रही हूँ मैं, लोकल में क्या था, आर ई एस, इतना है फॉर्मूला। अब आप याद करो रेनॉल्ड नंबर को क्या लिख सकते हैं, रो यू इनफाइनाइट एल डिवाइडेड बाय म्यू, ऑल अदर डेटा आर सेम, रो सेम है, वेलोसिटी सेम है, म्यू सेम, हम यही मानेंगे ना, बाकी सब चीज क्या है, सेम, बट बदल क्या रहा है, लेंथ बदल रहा है। आर ई एल की जगह मैं क्या रखूं, इस फॉर्मूले को रखू, ठीक। ध्यान से देखो, 1.328 डिवाइडेड बाय अंडर रूट रो यू इनफाइनाइट एल डिवाइडेड बाय म्यू, ये रखो फॉर्मूला, ठीक। आप मेरे को ये बताइए, अगर मैं सारी चीजों को जो कांस्टेंट चीजें या दोनों में कॉमन है उसको हटा के प्रोपोर्शनल लिखूं, तो सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल आ जाएगा, अंडर रूट एल, क्योंकि रो यू म्यू कॉमन है, 1.328 कॉमन है। अब इसको दोनों सिचुएशन के लिए लगा, किसके लिए लगाओगे, ए और बी के, तो सी डी ऑफ फर्स्ट सिचुएशन सी डी ऑफ सेकेंड सिचुएशन इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल, किसके लिए लेंगे, 1 के लिए, 1 डिवाइडेड बाय रूट एल किसके लिए लेंगे, 2 के। सी डी 1 कितना दिया है, 0.018, सी डी 2 हमको निकालना, 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट की लेंथ कितनी है, रूट एल है, ठीक, फर्स्ट की लेंथ कितनी है एल, सेकेंड की लेंथ कितनी है आपकी 4 टाइम्स ऑफ एल, ठीक, सेकेंड की लेंथ कितनी है 4 टाइम्स ऑफ एल। अब इसको 0.018 डिवाइडेड बाय सी डी 2 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसी में मान लो टर्बुलेंट के लिए बोलता तो आर ई एल की पावर कितना आ जाता, 1/5, तो एल की पावर कितना आ जाता, 1/5, तो उस टाइप से डेटा भी दिया रहता कि 1/5 को आप बिना कैल्सी के निकाल सको। देखो कैल्सी नहीं है ये, एग्जामिनर को अच्छे से पता, अगर बदमाशी करना चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकता, बट 90% एग्जामिनर अच्छे होते हैं,
वो भी एग्जाम फेस करके आ रहे थे, उनको पता रहता है कि केवीसी नहीं है, तो मेरे को ऐसा डेटा देना जो भले टाइम लगे बट आंसर तक आपको पहुंचा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि केवीसी नहीं, ठीक। और कई एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा डेटा देते हैं जिसमें आप बिना केवीसी के सॉल्व कर ही नहीं सकते। किसी की पावर मान लो 30 की पावर 0.85 दे दी, आप बिना केवीसी के कैसे करोगे सॉल्व? आप ट्रायल एंड एरर लगाते रहो, आधा घंटा बाद बनेगा, कोई काम का नहीं रहेगा वो क्वेश्चन, ठीक। तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, सीडी टू की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.009। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है सबको, ठीक। तो 2013 ES का क्वेश्चन, 2013 ES का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, आज का पूरा क्वेश्चन।